प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रविवार की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की। इन सब के बीच कई राज्यों ने सख्ती बढ़ाई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन लगाने की बातें तो हो रही है, बड़ी बात यह है कि कई राज्यों ने पहले ही अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जबकि कई राज्यों में 10 मई से संपूर्ण मतलब कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए होगी। इन राज्यों में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाले राज्यों में जरूरी सामानों और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। सभी दुकानें, निजी और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा हॉल, क्लब, पार्क भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानें सुबह में निर्धारित समय के लिए खोली जाएंगी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज है। इसको देखते हुए इन राज्यों में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोह पूरी तरह बैन रहेंगे। ऐसे समारोह केवल घर या कोर्ट में ही आयोजित किए जाएंगे। इसमें 20 लोग से ज़्यादा लोगों के शामिल नहीं होने को कहा गया है। अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि झारखंड में 13 मई तक पाबंदी लगाई गई है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।